के अंदर और वहाँ से मुझे मिलेगी। नहीं 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 नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो टाइम आ गया है अलविदा कहने का। अभी मैं और प्रतीक निकल रहे हैं गेट की तरफ और मुझे समस्तीपुर के लिए बस मिलेगी गेट से। आपको मैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ घर वापसी की, तो चलते हैं। तो वही सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं और प्रतीक अभी जा रहे हैं बस लेने। मुझे समस्तीपुर जाना है और प्रतीक को मुजफ्फरपुर। मुझे नहीं लगता कि हम इतने जल्दी कभी यहाँ रहते हुए उठे होंगे, अनलेस हमें कहीं जाना हो जैसे कि पटना या किसी और जगह घूमने के लिए या कोई एग्ज़ाम देने के लिए। सुबह काफ़ी सुनसान है ये सड़क, बिल्कुल खाली लग रहा है पूरा रोड। गाइस अभी हमें मेन गेट तक पैदल ही जाना पड़ेगा। आदित्य भाई बोलने आया है भाई, सुबह सुबह हर रोज उठता है इतने बजे यार। आज ही 6:30 बजे, आज 5:30 उठ गया। गाइस लास्ट टाइम इस गेट को बाय बोल देता हूँ, अब शायद ही कभी वापस आना हो यहाँ पे, अनलेस की कोई जॉब वैकेंसी निकले यहाँ पर। जॉब वैकेंसी और प्रतीक की शादी। हाँ तब तो सीतामढ़ी जाएंगे सीधे ही। क्यों प्रतीक? बस वो सामने रहा यहाँ का मेन गेट, हमें वहाँ तक जाना है। ये हम पहुँच चुके हैं मेन गेट पे और फर्स्ट टाइम जब आया था तो यहीं से हमने एंट्री ली थी इस यूनिवर्सिटी में, और जाते हुए भी मैं यहीं से बाय बोल रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी को। काफ़ी सारी यादें जुड़ी है इस यूनिवर्सिटी से, इस जगह से। मुझे बस मिल चुकी है समस्तीपुर के लिए, मैं लगभग 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा समस्तीपुर। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ समस्तीपुर रेलवे स्टेशन और अभी एस्केलेटर पर जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे शायद मेरी ट्रेन होगी आज। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 जहाँ पे ट्रेन आएगी शायद इस तरफ से। तो गाइस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, तो मुझे अभी वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि 4 पे पहले इसका था शेड्यूल, बट अब 1 पे जाना पड़ रहा है। गाइस ये रही हमारी ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। तो ये है मेरी अपर बर्थ 54। फिलहाल मैं सामान ऊपर रख देता हूँ और बाकी यहाँ पे बैठता हूँ आराम से। Was a mile high to protect my heart. Guys, finally मैं पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली और ये ट्रेन भी 3 घंटे लेट है, तो अभी मुझे बस उतरना है स्टेशन पे और फिर मैं चलूँगा मेट्रो की तरफ, पहुँचना कश्मीरी गेट जहाँ से कि मुझे बस मिलेगी सोलन के लिए वापस। तो हमारी ट्रेन और तब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, फिर मुझे जाना है कश्मीरी गेट। गाइस ये यहाँ पे रहा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और वो साथ में वहाँ मेट्रो स्टेशन है। तो कभी भी आप दिल्ली आते हो तो कश्मीरी गेट से बस 2-3 स्टेशन दूर है न्यू दिल्ली, और मेट्रो में आप आराम से 20 रुपये देकर आ सकते हो, कोई भी ऑटो या टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे वहाँ जाना है मेट्रो स्टेशन में और उसके बाद आगे कश्मीरी गेट की तरफ। यह है रास्ता मेट्रो की तरफ। गाइस यहाँ पे भी आएगी मेट्रो जो कि जाएगी कश्मीरी गेट की तरफ। जी मैं बाहर निकल चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, और अब मुझे जाना है ISBT के अंदर और वहाँ से मुझे मिलेगी। नहीं 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 नहीं, और मुझे यहाँ से जाना है ISBT के अंदर, और यहाँ पे नहीं ज़बरदस्ती एक छोटा सा स्टिकर दे देते हैं झंडे का और आपसे 50-100 रुपये एंट लेते हैं, तो इनसे बच के रहिए। तो हेयर आई एम एट ISBT, तो यहाँ से मुझे बस मिलेगी। बस मिल चुकी है सोलन के लिए और ये ऑर्डिनरी बस है, मैं वॉल्वो का वेट कर रहा था पर इस टाइम पे कोई वॉल्वो अवेलेबल नहीं है। अब बस यहाँ से 8-9 घंटे का और सफ़र रहता है और मैं वापस आऊँगा अपनी यूनिवर्सिटी में। तो अभी बस रुकी है करनाल में और यहाँ पे भी हम लंच करेंगे और उसके बाद अभी 4 घंटे का और सफ़र है लंच के लिए। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, कितना ज़्यादा लेके आ गए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सोलन बस स्टैंड में और यहाँ से मैं नौनी के लिए कोई बस देखता हूँ। शाम के 5:30 हो गए हैं
और पिछले दो दिनों से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल ही कर रहा हूँ। अभी देखता हूँ नहीं, कैंपस की बस मिल गई है मुझे, अब चलते हैं इसमें। फाइनली मैं वापस पहुँच चुका हूँ नौनी, और बस अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर कर चुका हूँ और अपने कैंपस में, और वो सामने रहा यहाँ का ग्राउंड जहाँ पे इस टाइम काफ़ी ही लोग खेल रहे होते हैं। और क्या फॉलो तो कर ही लेंगे लोग, आप बोलोगे तो। हाँ ब्लॉग बनाया, अभी ख़त्म होगा कसम से। यहाँ पे जन्नत है सर भाई, वहाँ ना गर्मी से पसीने से पॉल्यूशन से साफ हवा तो दिखी नहीं थी कहीं पे भी पूरे रास्ते, जैसे परवानू से एंटर किया ना, आहा ठंडी हवा। गाइस मैं बस अपने हॉस्टल पहुँचने वाला हूँ, और मेरे फ़ोन में भी काफ़ी कम बैटरी लग गई है, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।